हाय फ्रेंड्स, मैं आज दारू वाला आपके सामने बीरा रिव्यू करने के लिए दिख रहा है ना। हाँ, तो हमारे पास बीरा के 5 वेरिएंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास बीरा लाइट, इसमें 3 से 4% अल्कोहल है। इसका प्राइस है 110 रुपये दिल्ली में। यूपी में तो उम्मीद ही मत करिए कि बीरा मिलेगी। दूसरी है हमारे पास बीरा ब्लॉन्ड, इसमें लिखा है नॉट एक्सीडिंग 5%। इसका क्या मतलब है मुझे भी नहीं पता, और इसका प्राइस है 90 रुपये। तीसरी है हमारे पास एल, बीरा एल, इसका प्राइस है 140 रुपये, और इसमें लिखा है 6 to 8% एल्कोहल। चौथे नंबर पे है मेरी ऑल टाइम फेवरेट बीरा वाइट, ये 110 रुपये की है, और इसमें नॉट एक्सीडिंग 5% है। इसका मतलब मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा बीरा स्ट्रॉन्ग जो कि परमाणु बम, इसके प्राइस के बारे में। ये 125 रुपये की है, इसमें 6 से 8% एल्कोहल है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम आगे चल के बात करेंगे। तो अब हम इनके टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम उठाते हैं बीरा लाइट। इसका टेस्ट जैसे कि इसका नाम बता रहा है, लाइट, हल्का फुल्का टेस्ट होगा, पता भी नहीं चलेगा आप दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। गर्म होगी तो थोड़ा सा टेस्ट आ सकता है, चिल्ड में तो वो भी नहीं आएगा। दूसरी है बीरा ब्लॉन्ड, ये बिल्कुल ब्लॉन्ड लड़कियों की तरह है, दूर से अट्रैक्टिव, पास जाके बिल्कुल बेकार। तीसरे नंबर पर है बीरा एल। एल जैसे कि आप सब जानते हैं एक स्वीट बियर होती है, वैसी बीरा एल भी एक स्वीट बियर है। इस बियर की मिठास को आप नेताओं के खोखले वादे जैसा समझ सकते हैं, सिर्फ दूर से ही मीठे लगते हैं। चौथे नंबर पे है बीरा वाइट, ये मेरे दिल के सबसे करीब है। इस बियर की खासियत ये है कि कड़वेपन में कम है, इसका टेस्ट सिट्रस जैसा है, और एक बहुत ही अच्छी वीट बियर है। ये बीरा की सबसे कामयाब बियर है। इस बियर की कामयाबी के बाद बीरा ने ये 3 हैजे निकाले। इस बियर के सामने आपको ये 3 बियर डीमोनेटाइजेशन की तरह लगेंगी। ये पता नहीं बीरा को ये बियर क्यों आई थी, जैसे कि सरकार को नहीं पता कि डीमोनेटाइजेशन क्यों आया था। 5वें नंबर पे है बीरा स्ट्रॉन्ग। बीरा स्ट्रॉन्ग जिसको हम प्यार से परमाणु बम भी बोलते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं स्ट्रॉन्ग बियर हल्की सी कड़वी होती है, वैसे ये भी कड़वी है, लेकिन आप इसके कड़वेपन को कल्याणी या हंटर जैसा मत समझिएगा, उनसे तो कहीं गुना बेहतर है हमारी बीरा स्ट्रॉन्ग। तो अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आता हूँ, जिंदगी के कौन से रंडी रोने में कौन सी बियर पीनी है, यानी कि इन बियरों का उपयोग। तो सबसे पहले है बीरा लाइट। बीरा लाइट जैसे कि घर के छोटे मोटे सियापे हो गए, बॉस की फटकार हो गई, और ये सब चूचा पै पै के लिए काम आती है। रात में 2 बियर पीजिए, सो जाइए, अगले दिन नई गांठ फटी की शुरुआत होगी। दूसरे नंबर पे है बीरा ब्लॉन्ड। इसका क्या उपयोग है, इस पर अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। जिंदगी के कौन से रंडी रोने के लिए है, ये अभी हमें खुद भी नहीं पता। तीसरे नंबर पे है बीरा एल। ये उन लोगों के लिए जो मिजाज से तो हैं करण जौहर जैसे, पर बनना चाहते हैं सलमान खान। इस बियर को पीने के बाद आप कोई भी स्टंट मत परफॉर्म कीजिए, क्योंकि आप दिमाग से ही सलमान खान बनेंगे, शरीर से आप फिर भी मीठे रहेंगे। चौथे नंबर पे है बीरा वाइट। बीरा वाइट कुछ खास ओकेजन्स के लिए है, जैसे आपकी बॉस की बीवी उसे छोड़ के भाग जाए, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड आपको लाइन देना शुरू कर दें। जिंदगी की ऐसी खास ओकेजन्स के लिए बनी है हमारी बीरा वाइट। 5वें नंबर पे है बीरा स्ट्रॉन्ग। ये कुछ खास ओकेजन्स के लिए बनी है, जैसे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के खड़ूस बाप से उसका हाथ मांगना चाहते हैं, आप अपने खन्नायक बॉस के अत्याचारों से परेशान हैं और उसमें 2-4 रैप्टे धरना चाहते हैं, या फिर अपने चिंदी चोर मकान मालिक से अपना टिप टिप करता नलका ठीक कराना चाहते हैं, पीजिए बीरा स्ट्रॉन्ग। इतनी स्ट्रॉन्ग है मैं पकड़ के स्ट्रॉन्ग हो गया। जैसे कि दोस्तों बड़े बुजुर्गों ने कहा है, थोड़ी थोड़ी पियोगे रोज मिलोगे, ज़्यादा पियोगे तो हरिद्वार मिलोगे। तो आइए बात करते हैं हैंगओवर के बारे में। तो सबसे पहले बीरा लाइट। बीरा लाइट का हैंगओवर बहुत ही हल्का होगा। इसको पीने के बाद आप घर आएंगे, पंकज उदास के गाने सुनेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा मूतेंगे और सो जाएंगे, अगले दिन एक 72 दिन की शुरुआत होगी। दूसरे नंबर पे है बीरा ब्लॉन्ड। ये कोई मिल गया कि जादू की तरह है, इस दुनिया में क्यों आई इस पर अभी रिसर्च चल रही है। बस इसको पीने के बाद आप अगले दिन धूप धूप करते रहेंगे। आइए अब हम बात करते हैं बीरा एल के हैंगओवर के बारे में। इसके हैंगओवर की घटनाएं कुछ इस तरीके से हैं, जो बॉस आपको इंक्रीमेंट नहीं देता, आप उसको फ़ोन करके कहेंगे कि आप मेरे अन्नदाता हैं, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड जो आपका क्रश है, उसे आप फ़ोन करके कहेंगे आप मेरी भाभी हैं। जो लोग गाड़ी चलाने से अक्सर कतराते हैं, इसको पीने के बाद वो कहेंगे आज गाड़ी मैं चलाऊँगा। कुछ कुछ केसेस में तो हैंगओवर इतना सीरियस रहा है कि आपको अगला पूरा दिन मिल जाएगा सर पकड़ के अपनी करतूतों पर पछतावा करने के लिए। चौथे नंबर पे है बीरा वाइट। इसका कोई नॉन साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अक्सर ये खुशियों के ओकेजन में पी जाती है। अगर बाय चांस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो अगले दिन नींबू चूसिए,
और ऑफिस जाइए, एक नए दिन की शुरुआत होगी। हम बात करेंगे बीरा स्ट्रॉन्ग परमाणु बम के हैंगओवर इफेक्ट्स के बारे में। जैसा नाम वैसे ही हैंगओवर इफेक्ट्स, एकदम दमदार। तो अगर इस अगर आप दुबले पतले हैं और आपने औकात से ज़्यादा पी ली है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर नहीं पहुँचेंगे बल्कि घर के पास वाली नाली में पाए जाएंगे। अगर आप बहुत मोटे हैं, अपना शरीर नहीं ढो पाते हैं और आपने औकात से ज़्यादा पी ली है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप वॉशरूम तक जाएं उल्टी करने लेकिन वापस ना आए, बल्कि वहीं सर रख के सो जाएं और अगले दिन स्वीपर को मिलें। कुछ केसेस में तो इसका हैंगओवर इतना ज़्यादा भयंकर रहा है कि आप ऐसा सोचेंगे कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल दारूवाला को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।